रामनगरी अयोध्या जिले में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से श्रमिकों के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए दैनिक वेतनभोगी श्रमिक संगठन ने एक पहल शुरू की, जिसमें लोगों को श्रमिकों को योजनाओं के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस संगठन का परिचय करने मतलब बताई इसके बारे में हम लोग जाने अच्छे से, और उसके बाद हम लोगों को समझ में आया तो हम लोग सोचे कि जाके हम लोग भी इसमें जुड़ सकते हैं, और हम लोगों को जो लाभ मिलेगा उससे बहुत लोगों को लाभ मिलेगा। हम लोग भी किसी से कह सकते हैं कुछ भी जैसे मदद के लिए। बहुत लोगों को हमने श्रम संगठन से रजिस्ट्रेशन भी किया है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद श्रम विभाग का इन लोगों को कार्ड बनवाया जाता है। कार्ड दो तरीके का बनता है, एक संगठित एक असंगठित। तो संगठित में जो ईटा गारा वाले लेबर मजदूर आते हैं, और असंगठित वाले में जैसे छोटे दुकानदार हैं, पटरी रेहरी वाले आते हैं, और जो घरों में बर्तन मांजने जाती हैं, माला फूल गूंथती हैं, घाट पे दीपक वगैरह बेचती हैं, ये और छोटे दुकानदार हैं, ये लोग असंगठित में आते हैं। लेकिन सबका कार्ड बनता है, सबका रजिस्ट्रेशन होता है। उस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उन लोगों को बहुत सरकारी सारी सुविधाएं दिलवाई जाती हैं। श्रमिकों को जागरूक करना और जो समाज में समस्याएं आ रही हैं, जैसे हमारे पास जो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, उन सदस्यों का हर गांव में एक अध्यक्ष बनाना और उनके कार्यों को जो भी समस्या आ रही है उसका निर्वहन करना। इनकी आवाज़ नहीं आ रही होगी इसमें। नए जो भी हों 5-10 लोग नए आए हुए हैं, ये तो हमने समझाया है इनको कि श्रमिक संगठन आपको किस हिसाब से आपके लिए कार्य करेगा, किस हिसाब से इस परिवार का आगे कार्य होगा, इसी को समझाया गया है कि इनकी किस हिसाब से इनका सहयोग किया जाएगा। इनको जागरूक किया जा रहा है श्रम विभाग द्वारा। आदित्य शुक्ला ने बताया कि श्रमिक संगठन एक संस्था है जिसमें लोगों को संगठन के प्रति जागरूक किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकास भवन द्वारा कार्य के बारे में जानकारी दी जा रही है। काफी लोगों की रजिस्ट्रेशन कराकर संगठन से जोड़ा गया है, जिसके लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराया, जिसके बाद श्रमिक संगठन का एक कार्ड मिलता है। आम नागरिकों एवं श्रमिकों को योजनाओं की लाभकारी नीतियों से अवगत कराया गया। इसी क्रम में दैनिक वेतन भोगी श्रमिक संगठन ने शहर के देवकाली में कैंप लगाकर लोगों को श्रम विभाग की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी और उन्हें जागरूक किया।